खबर कानपुर से, जहां पर लापता मेडिकल छात्रा का शव बरामद हुआ है। हमने आपको लगातार दिखाया था कि किस तरीके से लापता छात्रा के बाद में हंगामा वहां पर मचा हुआ, और अब से थोड़ी ही देर पहले उस छात्रा का शव बरामद हुआ है। उन्नाव के गंगा घाट में, गंगा के किनारे यह शव मिला है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज की छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नीरज, जब तस्वीर क्या साफ हो रही है कि क्या है ये पूरा मामला, कैसे उसकी हत्या की गई, हादसा हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और? देखिए, अभी ये चीजें साफ नहीं हो पाई, इस बार तमाम जो जांच पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। कानपुर से जो सूचना मिलने के बाद कानपुर पुलिस यहां से रवाना हो चुकी है उन्नाव के गंगा घाट थाने के लिए, और लगातार वहां की पुलिस से संपर्क किए हुए। लेकिन बताया जा रहा है, जो उन्नाव से जानकारी मिल रही है, कि सुबह ही 12 बजे तकरीबन ये शव देखा गया था, जबकि कानपुर में इस चीज के लिए लगातार गोताखोर और पुलिस सर्च अभियान चला रहे थे गंगा में, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद अभी बॉडी मिली है, जिसके बाद अभी घर वालों ने भी शिनाख्त कर ली है। अब चीजें ये देखने की सामान्य आएगी कि क्या ये सुसाइड था या किसी अन्य चीजों में, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। हालांकि पुलिस जो है तमाम तरीके से सीडीआर और सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है, लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो यही सामने आ रही हैं कि कल जो छात्रा लापता हुई थी उसका शव जो है उन्नाव के गंगा घाट में मिला हुआ है। अब ये जांच का विषय है। नीरज, इससे पहले छात्रा की स्कूटी भी गंगा के किनारे बरामद हुई थी, अब उसका शव मिला है। शव की स्थिति कैसे है, क्या उससे अंदाजा लग रहा है, क्या उसके उसके शरीर पर चोट के निशान है, किसी गोली के निशान है या फिर किसी और तरह की कोई संकेत? देखिए, अभी जो जानकारी जब बाहर मिल पा रही है उस हिसाब से पूरा शव जो है पानी में फूला हुआ है और गंगा किनारे वहां पे लगा गया, जिसके बाद गंगा घाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेके कानपुर पुलिस को सूचना दी है। अब ये जांच का विषय होगा, आगे भी जांच तमाम चीजों की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर भी थे छात्रा के उसको लेकर दबाव था या किन चीजों को लेकर ये कदम उठाया गया है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है, इन चीजों की जांच पुलिस के लिए बहुत अहम होगी। जी, बहुत शुक्रिया नीरज अवस्थी इन तमाम जानकारी के लिए।